बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वेलकम टू द प्रोग्राम राइट ऑफ अपील। मैं हूं आपका होस्ट जैन कुरैशी, एडवोकेट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में रेप के बारे में, व्हाट द रेप इज़। और लोग अगर खुदा ना खास्ता ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ हो भी जाते हैं तो लोग क्यों कतराते हैं रिपोर्ट करने से, क्यों कतराते हैं मुलज़िम को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने से। रेप है क्या? अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान क्रिमिनल कोड, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 375 ऑफ PPC डील्स विद द रेप। रेप की क्या पनिशमेंट है? 7 ईयर्स रिग्रस इम्प्रिजमेंट और लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड फाइन। What are the basic ingredients of rape? इसमें नाज़रीन बहुत सी complications आ जाती हैं, medical complications आ जाती हैं, legal complications आ जाती हैं, factual complications आ जाती हैं, जिनकी वजह से केस आपका वीक हो जाता है। The basic ingredients, जो basic FIR, जो basic crux है of the rape, मैं उसको medical term में अगर बताना चाहूँ, when there is no penetration, it is not said to be as rape. Intercourse is compulsory in the rape. और नाज़रीन, रेप की जो एक जो लीगल जो उसकी जो टर्म है उसमें मैंने बता दिया, when there is no penetration, it is not said to be as rape. जो भी आपका 375 की अगर आप FIR लॉन्च कराते हैं उसके साथ और डिफरेंट कनेक्टिंग केस आ जाते हैं। वेन एवर देर इज रेप, देर मस्ट बी एन ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग। जब भी आप FIR लॉन्च कराते हैं, बगैर अगवा किए रेप नहीं हो सकता, उसमें किडनैपिंग की भी ऑफेंस शामिल होती हैं जब भी आप रेप की FIR कराते हो। और फॉर एग्जांपल, मैं अगर उसमें एग्जांपल दूँ, ज़ैनब मर्डर केस जो भी रिसेंटली जो कसूर में एक वाक्य पेश आया ज़ैनब का, उसमें 3 ऑफेंसेस हुए हैं। द फर्स्ट क्राइम वॉज किडनैपिंग, द सेकेंड वॉज रेप, एंड द थर्ड वॉज मर्डर। दीज ऑल 3 ऑफेंसेस आर द हीनियस ऑफेंसेस। मैंने आपको बताया 7 ईयर्स रिग्रस इम्प्रिजमेंट और लाइफ इम्प्रिजमेंट। ताहयात, लाइफ इम्प्रिजमेंट आती है 25 साल की कैद, इज सेड टू बी एज लाइफ इम्प्रिजमेंट। नाज़रीन, मैंने आपको बताया इसमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, DNA उसमें आता है, जो आपका जो टोटल केस बेस कर रहा होता है ऑफ रेप ऑफ 375 पाकिस्तान पिनल कोड, वो बेस कर रहा होता है आपकी DNA रिपोर्ट पे। अगर आपका DNA पॉजिटिव आ जाए, इन दैट केस यू आर गिल्टी। अब अगर मैं इसमें एग्जांपल देना चाहूँ, ज़ैनब मर्डर केस में क्या हुआ, इंसिडेंट हो गया, वाकया हो गया, केस मीडिया की, मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है, अगर केस ज़ैनब मर्डर केस मीडिया की जीनत ना बनता तो जो उसका कातिल था इमरान अली, वो अभी उसका ये 8वां अटेम्प्ट था, 8वें के बजाय 9वां होता और शायद 10वां भी हो जाता। ये तो आप मैं तो क्रेडिट गोज टू मीडिया एज वेल एज इस्लामाबाद बार एसोसिएशन एज वेल एज पाकिस्तान बार एसोसिएशन, जिन्होंने स्ट्राइक्स की ज़ैनब मर्डर ज़ैनब रेप केस में, एक स्टैंड लिया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया और उसके जो मुलज़म है ये 1156 बंदों का DNA हो चुका था। ये जो बंदा था इमरान अली, जब 1157 बंदे का जो DNA हुआ उसमें जब DNA की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद इसको अरेस्ट किया गया। नाज़रीन, ये जो वाक़ हमारे कसूर का जो वाक़ा हुआ है, ऐसे बेशुमार वाक़े हमारे इर्द गिर्द होती हैं, लेकिन हमारी अपनी लापरवाही, हम लोग अपनी लैक ऑफ इंटरेस्ट, मुझे इंतहाई दुख से कहना पड़ा, खुदा ना खास्ता जब हमारे किसी अपने के साथ वाक़ होते हैं, तब हम सोचते हैं कि यार वाकई गलत हुआ है। अल्लाह ना करे कि किसी भी मेरे या आपके अपने के साथ ये वाकया पेश आए। ये जो जुल्म की दास्तान इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज खा गया,
खुदा ना खास्ता इंटरनेशनली हमारा इमेज ये गया है कि हमारी माएँ बहनें बेटियां अपने घरों में महफूज नहीं हैं. यू हैव टू बी अवेयर फ्रॉम योर बेसिक फंडामेंटल राइट्स. यू हैव टू बी अवेयर कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. और अगर ये तो मैंने बात की पाकिस्तान पीनल कोड में इसकी क्या पनिशमेंट है, अगर ये आप जाएं इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में हदूद लॉज की मैं बात करूँ, हदूद लॉज में आती हैं 7 लॉज आ जाती हैं. हदूद लॉज में चोरी आ जाती है, रेप आ जाता है, अडल्ट्री आ जाती है, इंटॉक्सिकेशन आ जाती है. दीज 7 आर हदूद लॉज. हदूद लॉज क्या हैं? हदूद लॉज, हदूद लॉज आर द लॉज ऑफ ऑल अल्लाह आलमाइटी. ये अल्लाह के लॉ हैं, इनमें नो कंपनसेशन. दीज आर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज, इनके ऊपर राजीनामा नहीं हो सकता. और अगर रेप की बात की जाए अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पनिशमेंट्स, अगर फर्स्ट टाइम आप कमिट करते हैं ऑफेंस ऑफ रेप, उसकी जो पनिशमेंट है इफ़ यू आर नॉट मैरिड, उसकी जो पनिशमेंट है 80 स्ट्राइब्स अगर आप फर्स्ट टाइम ये ऑफेंस कमिट करते हैं. अगर आप सेकेंड टाइम ऑफेंस रेप का कमिट करते हैं तो उसकी है स्टोनेज डेथ, पत्थर मार मार के मार दिया जाए. ज़ैनब केस में जो हुआ, इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो इमेज इतना बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है, यू कांट इवन बिलीव. और ज़ैनब केस के बाद अभी तक 34 रिपोर्टेड केसेस पंजाब में वाकया हो चुके हैं, केपीके में कितने वाकया हो चुके हैं, सिंध में कितने वाकया हो चुके हैं. और मुझे इंतहाई दुख से कहना पड़े, जब तक हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, जब तक हमें अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक हमें अपनी जो लीगल प्रोटेक्टिव राइट्स हैं उनका नहीं पता चलेगा, यकीन माने हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं. हम लोग अपने आप को वक्त के साथ ग्रूम नहीं कर रहे. जब भी किसी के ऊपर कोई आफत आती है, कोई अजाब आता है, कोई केस आता है, तब भी वो कहते हैं कि हाँ यार, इट वॉज माई बेसिक फंडामेंटल राइट, मुझे इसका पता होना चाहिए था. जो ज़ैनब वाला केस था, जो इमरान अली का कातिल, पुलिस ने दूसरे दिन ही वो अरेस्ट कर लिया था, लेकिन जो अहले इलाका थे उन्होंने कहा नहीं जी, बड़ा शरीफ बंदा है, ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज, वो ऐसा बंदा नहीं है, वैसा बंदा. उसको जो लोकल छोटी थी उसके बाद उसको छोड़ा गया था. अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सो मोटो एक्शन ना लेती, अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इसके ऊपर काम ना करती, अगर पंजाब फॉरेंसिक इसके ऊपर काम ना करती, तो इमरान अली चला जाना था. जैसे 8 केसेस में उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, इसके ऊपर तो ये तो बना बनाया केस है. वैसे जब कोई इंसिडेंट हो उसका DNA होता है, फर्दर इंक्वायरी होती है, रिमांड होता है. अभी मैं आपको बताऊं, जो इमरान अली वाला केस है उसमें 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है. उसमें सब कुछ हुआ गया, डीएनए उसका टेस्ट होना था, डीएनए टेस्ट उसका ऑलरेडी हो गया है, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इकरारे जुर्म कन्फेशन वो कर चुके हैं, इकरारे जुर्म कर चुके हैं. ना सिर्फ ज़ैनब की हद तक इकरारे जुर्म किए, उसने 10 और ज़ैनब की हद तक इकरारे जुर्म किया, 10 और उसने ओन किया है कि मैंने 10 और बच्चों के साथ ज्यादती की है. हमारा मुआशरा किस साइड जा रहा है? बी अवेयर फ्रॉम योर बेसिक फंडामेंटल राइट्स, बी अवेयर कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. कानून आपका दोस्त, आपका मुहाफिज है. यू शैल बी अवेयर फ्रॉम योर बेसिक फंडामेंटल राइट्स. कानून की जंग आपको अपने जोरे बाजू पे खुद लड़नी पड़ती है. और ये जो ज़ैनब वाला केस है, ये एक किस्म का तमांचा है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर. अगर ये वाला केस मीडिया की जीनत ना बनता, अगर इस वाले केस में सो मोटो एक्शन ना लिया जाता, जैसे उसने पहले 8 रेप किए हैं, तो ये 9वां केस भी फाइल ना FIR दर्ज होती, ना कोई फर्दर प्रोसीडिंग होती. क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे? जागो, जागो, अपने आप के लिए जागो, अपनी फैमिली के लिए जागो, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जागो. फॉर मोर लीगल अवेयरनेस, कीप वॉचिंग राइट फॉर अपील. इजाज़त दीजिए अपने होस्ट ज़ैन कुरैशी को. अल्लाह हाफ़िज़.